नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं दोस्तों आपका साथी पंकज गोस्वामी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपने दशमलव संख्याओं का डिवाइड कैसे करते हैं, कि अपने को दो संख्याएं दी हो उनका डिवाइड करना हो और दोनों संख्या दशमलव के अंदर हो तो उनका अपने डिवाइड हिंदी में कहते हैं उसका भाग अपने किस प्रकार करते हैं। तो आपको बोर्ड के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है, उनका अपने को भाग करना है और दोनों जो संख्या है वो भाग के अंदर दशमलव के अंदर अपने को देगी। तो देखिए अपने किस प्रकार को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे अपने को दिया गया 1.25 भाग 0.5 दिया गया। सबसे पहले आप दोस्तों भाग के चिन्ह को हटाओ। क्या हटाओ दोस्तों? भाग के चिन्ह को हटाओ। तो उसको भाग के चिन्ह जो बताएंगे तब इस संख्या को इसके बटा के अंदर लिखेंगे। 1.25 बटा 0.5, ये सिंपल काम अपने किया। इस भाग के चिन्ह को हटाया, इस भाग के चिन्ह को उठाएंगे तब इसको अपने बटा के दोस्तों इसको अपने लिख दिया। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? एक से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर व नीचे एक से। अब किसी भी संख्या को जब अपने एक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ये आपको पता है। तो फिर देखो, अगर पता भी नहीं है तो आपको याद रखना कि अपने किसी भी संख्या में ऊपर नीचे एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। यानी कहें तो अगर सेम संख्या में से मल्टीप्लाई कर दो उसके आंसर में परिवर्तन दोस्तों नहीं आता। तो अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है, ये आप देखो 1.25। अब आप इस पॉइंट को हटाओ। जब अपने पॉइंट को हटाएंगे तो जो जितनी पॉइंट के पास संख्याएं हैं, अगर अपने किसी पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी जीरो उस संख्या के नीचे लगाते हैं। तो देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो दो जीरो लगानी है, वो दो जीरो आप इसके गुणा में लगा दो, एक नीचे वाले एक के गुणा में। तो यहां से आप इसको हटाओगे जीरो को, जब इस एक के गुणा के नीचे इस एक के सामने वाले एक के में जीरो नहीं लगानी, नीचे वाले उल्टा। अगर संख्या ऊपर है पॉइंट ऊपर हटा रहे हो तो नीचे जीरो लगानी है, अगर संख्या नीचे है पॉइंट हटा रहे हो तो ऊपर जीरो लगानी है। तो ये दो संख्या है तो यहाँ पे आप दो जीरो लगा दो, तो ये नीचे बन गया दोस्तों 100। फिर इसी प्रकार देखो 0.25 अपने को दिया गया है। अब इस पॉइंट को हटाओगे या पॉइंट के बाद दोस्तों एक संख्या है तो उल्टा नीचे वाली संख्याओं का जीरो हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो लगानी है एक के, यहाँ पर लगा दो एक जीरो, ये बन गया 1/100। और ये पॉइंट हो गए अपने हट गए, पॉइंट क्या हो गए अपने गायब हो गए। आगे बात समझ रहे? अब आप क्या करो, सिंपल सा इस पांच से 125 को आप काट दो। पांच से 125 को दोस्तों आप क्या करो, काट दो। सिंपल सा काम करना है और आपको कुछ भी दोस्तों जो है इसके अंदर नहीं करना। जब पांच को 125 से आप काटोगे, पांच से 125 काटोगे तब उसमें कितना आएगा, पास आ गया दोस्तों 25। कितना आ गया दोस्तों 25। और यहां से एक जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा 25 गुना 1/10 बचा अपने पास। आपको पता है किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता, तो क्या आया 25/10। 25/10 आ गया, यानी एक छोड़ के दशमलव लगानी है। 25/10 यानी बटा में एक जीरो है तो एक संख्या किस साइड छोड़ोगे दोस्तों, लेफ्ट साइड से। जितनी बटा के अंदर जीरो होती है उतनी संख्या लेफ्ट साइड से छोड़नी होती है और वहां पे उस संख्या थोड़े जीरो लगा देते हैं। तो आंसर अपना आ गया दोस्तों एक संख्या छोड़ी 2.5। सिंपल तरीका है ये दोस्तों, भाग देना हो दशमलव संख्या का उसका तरीका है। आप इसी प्रकार एक आगे वाला एग्जांपल लेके और समझ लीजिए। देखो अपने को दिया गया है, एग्जांपल थ्रू ले लेते हैं। मैं देखो अपने को क्या दे दे 0.63 डिवाइड 1.4, ये अपने को एक नया क्वेश्चन दोस्तों दे दिया। इसको किस प्रकार करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, संख्या को भाग का चिन्ह हटाना है, हटा दिया भाग का चिन्ह हटाएंगे तब इस संख्या को इस संख्या के बटा के अंदर लिख देंगे, लिख दिया। सिंपल सा काम, ऊपर नीचे एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक दशमलव को हटाएंगे, कितने जीरो है
वो सॉरी कितनी संख्या है, दो, तो नीचे वाले एक के गुणा के अंदर दो जीरो लगा देंगे, ऊपर टाइम तो नीचे जीरो, नीचे टाएंगे तो ऊपर जीरो, इस दशमलव को टाएंगे कितनी कितनी संख्या है, एक संख्या, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। फिर क्या बता, देखो अपने पास 0.63 था तो ये बच गया 63 सीधा, बटा के अंदर एक चार बच गया, गुणा एक बटा 10 बटा 100 आ गया। अब देखो पहले करो, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, इसको अब क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया, अपने पास आ गया 9 बटा 2 गुणा 1 बटा 10, ये आ गया। फिर दोस्तों जब 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, अपने पास क्या आएगा, 4.5 बटा 10, ये बन गया अपने पास। अब देखो बटा के अंदर एक जीरो है तो दशमलव लगानी है, एक संख्या छोड़ के साइड कौन सी लेनी है अपने को, लेफ्ट, लेकिन एक दशमलव पहले से लगी हुई है तो उस दशमलव को एक संख्या आगे किसका देना है। अगर दशमलव नहीं लगी होती, अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होती तो अपने क्या करते, यहाँ पे दशमलव लगा देते, क्योंकि बटा में जीरो इसको अपने गायब कर देते, लेकिन अब यहाँ पे दशमलव लगी हुई है और बटा के अंदर जीरो अपने को यहाँ से आ गया, तो अपने क्या करेंगे, जो दशमलव लगी हुई है इस दशमलव को अपने एक संख्या आगे खिसका देंगे। और जब एक संख्या आगे खिसकाएंगे तो अपने पास उसको दोस्तों क्या बन जाएगा, देखो अपने पास दिया है 4.5 दशमलव दी, इस संख्या को, इस जो दशमलव है, इस दशमलव को अपने एक संख्या आगे खिसकानी है, यानी यहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा दोस्तों, जीरो। ये अपना आ गया इस सवाल का आंसर। इस प्रकार अपनों ने क्या किया, दो सवालों के जो दशमलव के अंदर संख्या दी गई थी उनका डिवाइड करना सीख लिया। तो ये जो तरीका दोस्तों कार्य करते हैं, सिंपल सा होता है क्या, इसके अंदर मेन ये कि जैसे कोई भी दशमलव लगी हो, जैसे 7.5 है, तो इसको टाँटते हैं तो बट्टा के अंदर 10 लगा देते हैं। इस पर अगर 8 क्या दिया हो, 6.77 दिया हो, इस दशमलव को टाँटते हैं तो बट्टा के अंदर 100 लगा देते हैं। यानी बात यही है, ऊपर से क्या किया, एक से मल्टीप्लाई और दशमलव टाई बटा में 100 क्या आया, इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अरे बटा के अंदर 100 बन जाएगा। बेस बिल्कुल सेम सिंपल सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको आसानी से सीख सकते हो। आपको ये अगर वीडियो समझ आई हो, सवाल समझ आए हो, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों साथ में शेयर भी कर देना, जिससे आपके मित्रों को भी सहायता मिले समझने के अंदर। और इसी प्रकार वीडियो अगर आप देखना चाहते हो मेरे से समझे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर अगले वाली वीडियो के अंदर दोस्तों, धन्यवाद।